ओके तो यहाँ तक आया अच्छे से समझ में बेटा जी? यस बहुत सारे साइन कंसीडर किया, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। तो 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा जी? कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 2 थीटा, तो यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला रख डालो, 3 साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा भैया? 4 साइन साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा को भी इन टर्म्स ऑफ साइन लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है वाली बात बेटा जी यहाँ तक? ओके तो इक्वेशन क्या बन गया अपने पास, 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। क्लियर है यहाँ तक बेटा जी सबको? बस 4 के आगे माइनस आएगा ना बेटा, ये सबको इक्वल टू किधर ले गया? ओके यस सर। यस सर। ओके अब देखो यहाँ पे क्या सेटिस्फाई कर रहा है सर, 1 साइन थीटा इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे फिर से? यस सर। ओके साइन थीटा इक्वल टू 1 तो इसका मतलब साइन थीटा माइनस 1 यहाँ पे एक फैक्टर होगा इसका एक, तो अभी वाले मेथड से अपन क्या लिखते हैं इसको, साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा माइनस 1 लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए भाई यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, 4 साइन क्यूब थीटा चाहिए, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा माइनस ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। अपने को क्या क्रिएट करना था भाई, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा कितने से, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होते जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा, यहाँ पे और कितना चाहिए माइनस का साइन थीटा, तो माइनस 1 कर दो हो जाए माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा प्लस 1। क्लियर है वाली बात बेटा जी? इसका मतलब इसको इन टर्म्स ऑफ साइन माइनस थीटा अगर लिखना हो तो वो ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको अच्छे से? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है यहाँ पे। सबको अच्छे से क्लियर है बेटा? कोमल, आदित्य, जयदीप? यस सर। ओके तो यहाँ से देखो कॉमन क्या आ जाएगा फिर से बेटा, फिर से कॉमन आ जाएगा साइन थीटा माइनस 1, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? यस। ओके अब देखिए जरा, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गई अपने पास, अब यहाँ पे दो फैक्टर्स है और इनका मल्टीप्लीकेशन ये कह रहा है जीरो हो रहा है, तो या तो आइदर ये जीरो जाए और या फिर ये जीरो जाए या फिर दोनों जीरो जाए, तो यहाँ से ये कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जाए और या फिर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जाए, ये वाला नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होगा बेटा पॉसिबल? क्योंकि साइन ऑफ 18 डिग्री जो है, साइन 18 डिग्री का वैल्यू 1 थोड़ी ना पॉसिबल होगा बेटा। साइन का वैल्यू देखिए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी, एक्स का कोफिशिएंट कितना प्लस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 16, मतलब ये हो जाएगा प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4, तो ये हो जाएगा कितना 8। यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, साइन थीटा का वैल्यू आ गया अपने पास। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। चलिए भाई यहाँ से अपने पास साइन थीटा की वैल्यूज आ गई, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा सिंपलीफाई करके ये लिख देते हैं, माइनस 2 और ये होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 इज डिवाइडेड बाय 8। स्क्वायर रूट ऑफ 20 को अपन क्या राइट डाउन कर सकते हैं बेटा जी, 2 root 5 is divided by 8, 2 common लिया अपन ने, तो जाएगा minus 1 plus minus square root of 5 is divided by 8, तो cancel out होगा तो ये क्या 4, तो यहाँ से sin theta की value आ गई अपने पास minus 1 plus minus square root of 5 is divided by 4, but
थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है फर्स्ट नेगेटिव नहीं हो सकता बिल्कुल बेटा क्वाड्रेंट सो साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा भी 0 से बड़ा होगा तो इसमें देखिए भी माइनस वाला आएगा या प्लस वाला आएगा माइनस तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा That means sine of 18 degree का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा रूट फाइव यस बेटा बोलिए सर ये माइनस का हुआ तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आएगा अरे तो तभी तो नहीं हो पाएगा दो वैल्यूज है उसमें से एक तो वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी और किसी भी एंगल की हमेशा एक यूनिक वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये जो भी इक्वेशन है ये ऐसे ही तो लिखी हुई मिलेगी भी साइन थीटा माइनस माइनस वन प्लस रूट फाइव इज डिवाइडेड बाय फोर इंटू साइन थीटा माइनस माइनस वन माइनस रूट फाइव अपॉन फोर इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को ऐसे ही तो लिखोगे तुम ऐसे ही तो होंगे इसके फैक्टर्स क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसे ही तो होते हैं बेटा तो अब इसका कहने का मतलब क्या होता है अभी आइदर दिस जीरो और दिस जीरो है ना भाई अगर अपने पास ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन जीरो हो रहा है तो अपन क्या बोल देते हैं आइदर ए इक्वल टू जीरो और b equals to zero और both a equals to zero and b equals to zero तीनों condition possible हो सकती है ना भी a zero होगा तो भी इनका multiplication zero होगा only b अगर zero होगा तो भी इनका multiplication zero होगा और ये दोनों अगर zero होगा तो भी उनका multiplication zero होगा तो यहाँ पे जरूरी तो नहीं है ना कि ये दोनों value possible हो yes sir तो इसीलिए यहाँ से sin theta का value क्या क्या आया sin theta का value एक तो आया root 5 minus 1 by 4 और दूसरा आया अपने पास साइन थीटा इज इक्वल टू क्या माइनस रूट फाइव माइनस वन बाय फोर तो ये तो क्या हो गया ये तो नेगेटिव हो गया ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा ये वाला जीरो नहीं हो सकता भाई क्योंकि अपने को अच्छे से पता है कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है दैट मीन साइन 18 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा क्योंकि थीटा अपन क्या लेके चले थे 18 डिग्री तो साइन ऑफ 18 डिग्री का वैल्यू कितना आया रूट फाइव माइनस वन अपॉन कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा क्लियर है वाली बात सबको अच्छे से जल्दी से नोट डाउन करो हो गया क्या बेटा ये यस सर ओके इसी से जैसे अगर अपन बात करें मान लो उसने बोल दिया कि मतलब अपने पास आ गया साइन ऑफ 18 डिग्री का वैल्यू आ गया रूट फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाय फोर तो अपने को जैसे उसने बोल दिया कि कॉस ऑफ 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा जैसे उसने बोल दिया कि फाइंड कॉस ऑफ 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा तो अपन इसमें क्या क्या कर सकते हैं बेटा सर 5 थीटा को 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख के फिर यहां पे क्या कर दो क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू भी अपने पास है यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल लगा दो ये हो गया 18 डिग्री है ना ये हो गया कितना भैया ये आ गया रूट फाइव माइनस वन ये हो गया फोर तो ये कितना हो जाएगा भैया 16 माइनस कितना हो जाएगा 16 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 माइनस 10 माइनस 2 रूट 5 10 माइनस 2 रूट 5
टेन प्लस टू ये फाइव का स्क्वायर रूट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टेन माइनस टू रूट फाइव, तो कितना आ जाएगा साइन ऑफ कॉस ऑफ 18 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा जी? सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना? हाँ प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन प्लस टू रूट फाइव इस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा फोर, और ये वैल्यू किसका हो जाएगा कॉस ऑफ 72 डिग्री का, 90 माइनस थीटा लिख करके कर सकते हैं। सिमिलर ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 72 डिग्री का, क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके सिमिलर अगर अपने को फाइंड आउट करना होता साइन ऑफ 36 डिग्री 18 प्लस 18 करके साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। हाँ तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी तो कर सकते थे भाई, जैसे अपन बात कर लेते हैं कॉस ऑफ 36 डिग्री की बात कर ले पहले, कॉस ऑफ 36 डिग्री कैसे फाइंड आउट करें, तो कॉस ऑफ 36 डिग्री फाइंड आउट करने के लिए मैं ऐसा लिख दूं कॉस ऑफ 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ऐसा नहीं कर सकता क्या? कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 18 का डबल कितना हो जाएगा 36, क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके तो कॉस ऑफ 36 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा भैया, 1 माइनस 2 इनटू इसका स्क्वायर करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 5 इज डिवाइडेड बाय 16, क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके टू यहां से कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये फिर रिमेनिंग रह जाएगा 3 माइनस रूट 5 बाय 4 रह जाएगा, क्लियर है वाली बात बेटा? तो ये हो जाएगा अपने पास 4 माइनस 3 प्लस रूट 5 इज डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब cos of 36 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4, क्लियर है वाली बात सबको अच्छे से बेटा? यस सर। ओके ओके नोट डाउन बेटा ये सर एक सेकंड। हाँ कर लीजिए, ये हो जाएगा साइन 54 के इक्वल पे क्या बेटा, तो ये कॉस 36 साइन 54 के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा एकदम करेक्ट है। Prove that cot 7.5 degree is equals to root 2 plus root 3 plus root 4 plus root 6.
थर्ड नंबर फाइन साइन ऑफ 36 साइन ऑफ 72 डिग्री साइन ऑफ 108 डिग्री साइन ऑफ 144 डिग्री नेक्स्ट इज tan of 9 degree minus tan of 27 degree minus tan of 63 degree plus tan of 81 degree Two cos 40 degree minus cos 20 degree is divided by sin 20 degrees. इन सब की numeric value आएगी ठीक है ना इसकी 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 सब की numeric value आएगी perfect question जैसा तो आपने कराया क्या बेटा सर क्वेश्चन जैसा आपने कराया है आज ओके चलिए भी हो गया नोट डाउन ये यस सर चलिए ओके बेटा तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए मस्त रहे व्यस्त वीडियो से ओके बेटा ओके बेटा बाय ये हो गया ना नोट डाउन ओके रुकना सर हाँ ठीक ओके सर ओके